ना मावे से, ना पनीर से, ना सूजी से। इस बार हमारे गुलाब जामुन बनेंगे गेहूं के आटे से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लाई हूँ गेहूं के आटे से बने हुए ऐसे जबरदस्त टेस्टी सॉफ्ट जूसी गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसे खाने के बाद कोई बता नहीं सकता कि ये आपने आटे से बनाए। अब ना फटेंगे, ना बिखरेंगे, ना ही सख्त होंगे, एकदम सॉफ्ट मुलायम बहुत ही रसीले गुलाब जामुन हमारे गेहूं के आटे से बनेंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ सही माप और वो खास टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपके गेहूं के आटे के गुलाब जामुन भी बिल्कुल मावे के गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट, नरम और बहुत ही रसीले बनेंगे। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, जालीदार, मुंह में घुल जाने वाले आटा गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे एक बाउल और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे एक छलनी और अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। दोस्तों यहाँ गेहूं का आटा जिससे हम नॉर्मल चपाती वगैरह बनाते हैं, बस मैंने वही लिया है। और यहाँ मैंने मेजरमेंट के लिए इस तरह का कप लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कप ना हो तो घर की आप कोई भी एक कटोरी सेट कर ले और सारा मेजरमेंट फिर आप उसी से ही करें। तो इसे हम छलनी के अंदर डाल देंगे और साथ ही यहाँ हम डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, यानी दूध का पाउडर। अब जितना हमने गेहूं का आटा डाला है ना, बस उतना ही हमें यहाँ मिल्क पाउडर डालना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। मीठे सोडे से हमारे जो गुलाब जामुन है काफी सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। और अब हम बढ़िया से इन सभी चीजों को छान लेंगे। छानने से क्या होगा, इसमें जो मोटे मोटे पार्टिकल्स है ना, ये ऊपर रह जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम करेंगे अलग। तो यहाँ हमने सभी चीजों को अच्छे से छान लिया है और अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों ये एक तरह से हमारा गुलाब जामुन का प्रीमिक्स तैयार हो गया है। आप बस इसी तरह से सही मेजरमेंट के साथ सारी चीजों को छान करके एक एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं और ये 5 से 6 मिनट तक खराब भी नहीं होगा। फिर जब मन करे आप इसका डो लगाए और गुलाब जामुन तैयार करें। तो यहाँ मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो ये जो खाने वाली चम्मच है ना, इससे हम 1.5 चम्मच घी इसके अंदर हम डाल देंगे। दोस्तों ध्यान रहे घी डाले, तेल बिल्कुल ना डाले, क्योंकि घी से हमारे गुलाब जामुन का बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और अब इसे हम इस तरह से रब करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे घी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाए। और ये देखिए घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ एकदम क्रम्बली टेक्सचर हो गया, मतलब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसमें घी का बढ़िया से मॉइस्चर हो गया है। और जब इसे हम इस तरह से बांध रहे हैं तो ये अच्छे से बंध रहा है, मतलब हमने जो इसमें घी डाला है वो परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे और घी से हमारे जो गुलाब जामुन है बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, यानी टाइट नहीं होंगे। तो चलिए अब इसका हम डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए यहाँ हम लेंगे 1/4 कप दूध। दोस्तों दूध यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। और हम दूध अब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ हमें ज़्यादा मसल मसल कर इस आटे को नहीं गूंथना है, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाली है ना, तो थोड़े क्रेक्स तो रहेंगे ही। तो बस सभी चीज़ों को दूध डाल करके अच्छे से मिक्स करना है और सॉफ्ट डो लगाना है। और ये लीजिए यहाँ मैंने डो अच्छे से लगा दिया है, सारी चीज़ें बढ़िया से इकट्ठी हो गई है। और ये देखिए यहाँ हमारा डो एकदम सॉफ्ट है, बस ऐसा ही हमें चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक कपड़ा और कपड़े से ढक करके इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे हमारा डो परफेक्टली सेट हो जाए। अब जब तक हमारा डो सेट होता है हम बना लेते हैं हमारे गुलाब जामुन के लिए बढ़िया सी चाशनी। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी। तो ये गया 1 कप और ये 1/2 कप। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप पानी। जितना हमने चीनी डाली है ना, बस उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे गुलाब जामुन चाशनी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, तो यह हम चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा बनाएंगे। और अब इसे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए चीनी घुलने तक पकाएंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारी चीनी अच्छे से पिघल गई है। तो अब हमारी चाशनी को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो इसमें कुछ इलायची के दाने डाल दें और साथ ही यहाँ हम डालेंगे कुछ केसर के धागे। दोस्तों केसर यहाँ पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर इससे बहुत ही बढ़िया कलर और टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैं इसे डाल रही हूँ और अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे यहाँ हमें इसकी कोई तार नहीं बनानी है, बस इतना ही पकाना है कि ये हल्की सी चिपचिपी हो जाए। लगभग 2 मिनट हो गए, तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी चाशनी को उंगली और अंगूठे के बीच में रख करके इस तरह से चेक करेंगे और ये देखिए ये आप चिपक रही है, पर इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, एकदम चिपचिपी सी हमारी चाशनी बन गई है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और चलिए डो चेक कर लेते हैं। और ये लीजिए यहाँ हमारा डो परफेक्टली सेट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ मेरा डो एकदम सॉफ्ट ही है। अगर आपका डो हार्ड हो गया हो तो इस स्टेज पर आप 1 से 2 छोटे चम्मच दूध डालकर इसे अच्छे से गूंथ लें। पर ध्यान रहे हमें गुलाब जामुन के लिए एकदम सॉफ्ट डो ही लगाना है।
तो बस अब हम लेंगे थोड़ा सा पोर्शन और इसे हथेली के बीच में रख करके इस तरह से प्रेस करेंगे। इस तरह प्रेस करने से क्या होगा, हमारे गुलाब जामुन में कोई भी क्रेक्स नहीं रहेगा और इससे शेप भी बहुत ही बढ़िया आएगी। तो इसे हम इस तरह से बसल करके बढ़िया से मिक्स करेंगे और गोल गोल घुमाते हुए इसके गुलाब जामुन तैयार करेंगे। और ये देखिए एकदम हमारे गुलाब जामुन में बढ़िया से शेप आ गई है और इसमें कोई भी क्रेक्स नहीं है। तो आप यहाँ चाहे तो इस तरह के गोल गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसे हाथों में इस तरह से लंबा रोल करते हुए सिलेंड्रिक शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए बस इस तरह से, तो ये भी दिखने में काफी सुंदर लगते हैं, पर आज इसे मैं रेगुलर राउंड शेप में बना रही हूँ। तो बस इस तरह से हाथों में रोल करते हुए इसको तैयार करेंगे। तो यह हमारा गुलाब जामुन तैयार है, इसे हम रखेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से बाकी के गुलाब जामुन भी तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने कुछ गुलाब जामुन इस तरीके से तैयार कर लिए। अब दोस्तों यहाँ मैंने छोटी साइज के गुलाब जामुन तैयार करे, आप यहाँ चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो गुलाब जामुन को घी के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं, पर यकीन मानिए अगर आप इसे तेल में भी फ्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसे तेल में फ्राई किया है। तो तेल यहाँ हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम एक गुलाब जामुन को इसके अंदर डाल के देखेंगे। ये देखिए इसमें से हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो गया, मतलब तेल यहाँ हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को करेंगे लो और लो फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो यह हमारा गुलाब जामुन हल्का हल्का फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा गुलाब जामुन ना फटा है, ना बिखरा है, ना ही इसमें क्रेक्स है, मतलब हमने जो डो लगाया है वो एकदम परफेक्ट है। अगर आपका गुलाब जामुन यहाँ टूटे या बिखरे तो समझ जाना आपका डो परफेक्ट नहीं है। उसमें आप थोड़ा सा दूध डालकर उसे अच्छे से सॉफ्ट कर ले, फिर आप उसके गुलाब जामुन तैयार करें। तो यह हमारा गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम एक एक करके बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेंगे। और सारे गुलाब जामुन डालने के बाद चम्मच की सहायता से इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से हिला देंगे, जिससे हमारे जो गुलाब जामुन है नीचे चिपके नहीं और चारों तरफ से इवनली कुक हो। और ये देखिए यहाँ हमारे गुलाब जामुन अपने साइज से थोड़े से बड़े हो गए और ये हल्के हल्के से पकना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो दोस्तों इसे बस इसी तरह से लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए और ये अच्छे से पक ना जाए। और ये देखिए यहाँ हमारे गुलाब जामुन पर लाइट गोल्डन कलर आ गया। और अब मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए क्या परफेक्ट शेप, साइज और टेक्सचर है, एकदम बजाय जैसे गुलाब जामुन जैसे लग रहा है ना। तो बस इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए और पका लेंगे। दोस्तों इसी तरीके से मैंने पहले भी आपके साथ सूजी गुलाब जामुन, कोकोनट बर्फी, चॉकलेट कोकोनट बर्फी, डबल लेयर बर्फी और भी बहुत सारी स्वीट्स और स्नैक्स की रेसिपी शेयर करी है। तो इस त्यौहार पर आप इन रेसिपीज को जरूर ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और इन रेसिपीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर आया है, दिखने में कितने लाजवाब लग रहे हैं ना। मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों, एक बार इस आटे के गुलाब जामुन को जरूर ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर, रंगत और टेक्सचर आया है, एकदम बाजार जैसे गुलाब जामुन लग रहे हैं ना। तो बस इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों अब कोई त्यौहार हो या फिर कभी मीठा खाने का मन हो तो एक बार मेरे तरीके से इस आटा गुलाब जामुन को जरूर ट्राई करना। पहली बार में मैं बिना बिखरे बिना टूटे आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। और ये देखिए यह हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे गुलाब जामुन इस तरह से फ्राई करके निकाल दिए। अब दोस्तों जनरली जब हम मावे के गुलाब जामुन बनाते हैं तो हमें चाशनी पहले से बना के रखनी होती है, क्योंकि हमें डायरेक्ट गुलाब जामुन को चाशनी में डालना होता है। पर आटे के गुलाब जामुन आप पहले से इस तरह से बना करके रख सकते हैं, क्योंकि इसे हम चाशनी के अंदर बॉईल करेंगे। तो यहाँ मैंने फिर से चाशनी को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस गर्म चाशनी के अंदर डालेंगे हमारे तैयार किए हुए गुलाब जामुन, एक एक करके सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। और गुलाब जामुन को डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे। अब यहाँ ये आटे के गुलाब जामुन है, इसके इसे हम चाशनी के अंदर 2 से 3 मिनट तक बॉईल करेंगे, जिससे हमारे गुलाब जामुन सॉफ्ट हो जाए और चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। लगभग 2 मिनट हो गए, तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसके ऊपर लगाएंगे हम ढक्कन। और ढक्कन लगाकर 5 से 6 घंटे के लिए हमें गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर इसी तरह से रहने देंगे, जिससे हमारे गुलाब जामुन चाशनी को बढ़िया से अब्सॉर्ब कर ले और ये बढ़िया से सॉफ्ट और रसीले हो जाए। लगभग 5 घंटे हो गए, तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए सुपर्ब, यहाँ हमारे गुलाब जामुन अपनी साइज में पहले से बड़े हो गए, क्योंकि इन्होंने चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ हमारे एकदम जूसी रसीले सॉफ्ट गुलाब जामुन है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी बना है, देखते ही खाने का मन हो रहा है ना। तो दोस्तों इस त्यौहार पर आप इन गुलाब जामुन को अपने परिवार और दोस्तों को जरूर खिलाकर देखना, मेरी गारंटी कि कोई नहीं बता सकता कि ये आपने मावे से नहीं गेहूं के आटे से तैयार किए हैं।
और अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट जूसी, ये देखिए चाशनी को भी अंदर तक कितने बढ़िया से अब्सॉर्ब किया है, लग रहे हैं ना एकदम मस्त। तो यह हमारे एकदम सॉफ्ट जूसी बहुत ही लाजवाब आटा गुलाब जामुन है बिल्कुल तैयार। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस यूनिक और बहुत ही लाजवाब रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।